हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू स्मिता इंग्लिश एकेडमी सो फ्रेंड्स टुडे आई सी विद यू ऑन अनदर वीडियो ऑन अनदर पैराग्राफ इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश इफ़ यू वांट टू इंप्रूव योर इंग्लिश यू कैन वॉच टेल टेलेंट सो यहां पे ये लड़का है जो कह रहा है अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो जाकर खुद देख लो जाकर खुद देख लो को हम कहेंगे गो एंड सी योर सेल्फ ओके इफ़ यू डोंट बिलीव मी गो एंड सी योर सेल्फ अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो जाकर खुद देख लो इफ यू डोंट बिलीव मी गो एंड सी योर सेल्फ ओके मैंने तुम्हारे लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी नेक्स्ट वो कह रहा है मैंने तुम्हारे लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी आई हैव लेट माई लाइफ ऑन द लाइन ओके फॉर यू ओके लेट मतलब होता है जोखिम मैंने तुम्हारे लिए अपनी लाइफ जोखिम में डाल दी और तुम कह रही हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ एंड यू आर सेइंग दैट आई एम लाइंग एंड यू आर सेइंग दैट आई एम लाइंग और तुम कह रही हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ मैं अपनी पुरानी किताबें ऐसे ही दे सकता हूँ आई एम गिविंग माई ओल्ड बुक अवे आई एम गिविंग माई ओल्ड बुक अवे ठीक है मतलब गिव अवे कहने का मतलब है कि मैं अपनी पुरानी किताबें ऐसे ही दे सकता हूँ गिव अवे मतलब होता है बिना पैसे लिए हुए बिना बीन, बिना किसी फीस के फ्री में आई गिविंग माई ओल्ड बुक अवे मतलब गिव अवे टाइप ओके ये किताबें अब मेरे किसी काम की नहीं हैं दीज बुक और ऑफ नो यूज टू मी नाव दीज बुक ये किताबें आर ऑफ नो यूज किसी काम की नहीं है मी नाव मेरे लिए अब ओके okay. मैंने उसे जबान दी थी कि मैं नौ बजे तक घर वापस होंगी ठीक है आई गिव हर माई वर्ड आई वुड वी बैक होम बाई नाइन आई गिव हर माई वर्ड मतलब जुबान देना किसी को जुबान देना आई वुड वी बैक होम बाई नाइन कि मैं नौ बजे तक वापस घर आ जाऊंगी। लगता नहीं है मैं समय पर पहुंच पाऊंगी। आई डोंट थिंक आई कैन मेक इट ऑन टाइम आई डोंट थिंक आई कैन मेक इट ऑन टाइम ओके लगता नहीं है कि मैं समय पर पहुंच पाऊंगी। मेक इट ऑन टाइम मतलब समय पर पहुंचना। ओके आई डोंट थिंक वो ऐसा बोले कि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आई कैन मेक इट ऑन टाइम कि मैं समय पर पहुंच पाऊंगी तुम्हें तुम्हें तो खुश होना चाहिए यू आर सपोज टू बी हैप्पी यू आर सपोज टू बी हैप्पी तुम्हें तो खुश होना चाहिए ठीक है यू आर सपोज टू बी हैप्पी हैप्पी मतलब खुश होना मेरी कार काम काम पर जाते समय खराब हो जा गई थी ठीक है मेरी कार काम पर जाते समय खराब हो गई थी माई कार ब्रोक डाउन ऑन द वे टू बर्क मेरी कार मतलब माई कार ब्रोक डाउन ऑन द वे टू बर्क मैं जब काम पर जा रहा था जाने के दौरान मेरी कार खराब हो गई थी अब यहाँ पे टॉम बोलता है टॉम बिल्कुल सही समय पर आया ओके टॉम सॉफ्ट अप एड जस्ट द नाइट मोमेंट सॉरी राइट मोमेंट राइट मोमेंट मतलब होता है सही समय पर टॉम सॉफ्ट अप एड जस्ट द राइट मोमेंट ओके अगर टॉम मुझे लेने नहीं आता इफ टॉम हैड एंड पिकड मी अब इफ टॉम हैड एंड पिकड मी अब अब अगर यहाँ पे कह रही अगर टॉम मुझे नहीं लेने आता तुम्हारी गाड़ी खराब हो गई थी तो तुम तो मैं तो मैं यहाँ समय पर नहीं आ पाता तो मैं यहाँ पर समय नहीं आ या समय पर नहीं आ पाती आप कुछ भी कह सकते हैं आई वुडेंट हैव मेड इट हेयर ऑन टाइम आई वुडेंट हैव मेड इट हेयर ऑन टाइम तो मैं यहाँ समय पर नहीं आ पाता मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रहे हो लेकिन यह सच नहीं है आई न्यो आई न्यू वाट यू आर थिंकिंग बट इट्स नॉट ट्रू आई नो वाट यू आर थिंकिंग मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो बट इट्स नॉट ट्रू बट यह सही नहीं है पर यह yes, सही नहीं है मैंने तुम्हें नहीं बताया आई डिडेंट टेल यू ओके क्योंकि मैं जानती थी आई न्यू इट कि तुम दुखी हो जाओगे वुड अपसेट यू क्योंकि मैं जानती थी तुम दुखी हो जाओगे आई न्यू इट यू वुड अपसेट यू आई डिडेंट टेल यू बिकॉज आई न्यू इट यू वुडेंट अपसेट यू ओके okay? खबरदार मुझसे तुमने इस तरह बात की तो डोंट यू डेयर टॉक टू मी दिस वे डोंट यू डेयर टॉक टू मी दिस वे अगर तुम मेरे घर से बाहर नहीं निकलते हो तो अगर तुम मेरे घर से बाहर नहीं निकलते हो तो इफ़ यू डोंट गेट आउट ऑफ माई हाउस इफ़ यू डोंट गेट आउट ऑफ माई हाउस यहाँ पे बोल रही है मैं अपने पिता के गुड्स से तुम्हें बाहर फिंकवा दूंगी ठीक है आई है गॉड यहाँ पे होता है गार्ड्स ओके आई हैव माई फादर गार्ड्स थ्रो यू आउट आई हैव माई फादर गार्ड्स थ्रो यू आउट मतलब मैं अपने पिता के गार्ड से बाहर भिगवा दूंगी जब मुझे तुम्हारी राय चाहिए होगी मैं पूछ लूंगा वेन आई वॉन्ट योर ओपिनियन आई विल आस्क फॉर इट आई विल आस्क फॉर इट वेन आई वॉन्ट योर ओपिनियन आई विल आस्क फॉर इट मतलब जब मुझे तुम्हारी ओपिनियन जानी होगी मैं पूछ लूंगा तो बेहतर है तुम अपना मुँह बंद रखो सो यू बेटर कीप योर माउथ सट सो यू बेटर shut. So, if you better keep mouth shut. कल मेरा एक एग्ज़ाम है अब यहाँ पे बोले मेरा एग्जाम है आई हैव गोट एन एग्जाम टुमारो आई हैव गोट एन एग्जाम टुमारो मैं पूरी रात जा पढ़ाई करती रही आई हैव बीन अप ऑल नाइट स्टडिंग आई हैव बीन अप ऑल नाइट स्टडिंग मतलब मैं पूरी रात जा पढ़ाई करती रही तुम्हारे वजह से सब कुछ गड़बड़ हो गया बिकॉज ऑफ यू एवरीथिंग वेंट रॉन्ग बिकॉज ऑफ यू एवरीथिंग वेंट रॉन्ग तुम्हारी वजह से सब कुछ गड़बड़ हो गया ओके एवरी थिंग वेंट गॉन रॉन्ग अभी समझाने का समय नहीं है नाउ इज नॉट द टाइम फॉर एक्सप्लेनेशन नाउ इज नॉट द टाइम फॉर एक्सप्लेनेशन ओके मैं जानती हूँ तुम्हारे माइंड में अभी क्या चल रहा है आई नो वाट गोइंग ऑन इन योर माइंड राइट नाओ आई नो वाट गोइंग ऑन इन योर माइंड राइट नाओ तुम्हारा सारा पैसा लेकर भागना चाहते हो तुम सारा पैसा लेकर भागना चाहते हो यू वॉन्ट टू गेट अवे विथ ऑल द मनी यू वॉन्ट टू गेट अवे विथ ऑल द मनी वो बोलिए कि तुम सारा पैसा लेकर भागना चाहते हो मैं जानती हूँ कि तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है तुम सारा पैसा लेकर भागना चाहते हो ठीक है ओके तुम्हारे वजह से सब कुछ गड़बड़ हो गया बिकॉज ऑफ यू एवरी थिंग बेंट रॉन्ग सो फ्रेंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो इफ यू लाइक वीडियो प्लीज टू सब्सक्राइब थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय